वेलकम टू माई चैनल फॉलोअर्स, मैं दोस्त मीर आज के साथ एक और नई वीडियो लेकर आज हम बात करेंगे जोजो रैबिट मूवी के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो स्पॉइलर फ्री है इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्लॉट या दूसरी चीज़ों के बारे में कोई डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका ये मूवी देखने का मजा नहीं खराब होगा। तो आप बेफिक्र होकर ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वेल जहाँ तक मुझे याद है वर्ल्ड वार टू में टाइमलाइन इसी सेट होती है, और वर्ल्ड वार टू वाली जो ज़्यादातर मूवीज़ रिसेंटली रिलीज हुई हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन की स्टोरी दिखाती है। तो मेरे ख्याल से ये दूसरी की मूवी है जिसमें जर्मन मतलब नासी लोगों के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जर्मन मतलब नासी लोग वर्ल्ड वार टू के टाइम में क्या उनका कल्चर था और दूसरे कंट्रीज़ और लोगों के बारे में वो क्या सोचते थे, ये मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। मूवी एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है और इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आता मूवी में, और ना ही आपको डिलीवर किया जाता है मूवी के अंदर भी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो कैटेगरी है वही मूवी के अंदर भी है। तो अब चलते हैं इसके सीरियस या प्लॉट की तरफ, जो कि सिंपल है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। मूवी शुरू ही होती है तो आपकी अटेंशन खरीद लेती है और पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी चली जाती है आगे आगे, और आपको पता भी नहीं चलता कब मूवी शुरू हुई और कब ख़त्म भी होगी। तो ये स्टोरी है एक जोजो नाम के लड़के की, जो कि 10 साल का रिसेंटली हुआ है। इस उम्र में उस टाइम में काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी जाती थी और उस टाइम में ही उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास दिला दिया जाता था। 10 उम्र वर्ल्ड वार टू के टाइम में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपनी फैमिली को बचाने और नई नई चीज़ें सीखने के लिए। तो वही उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, उन्हें सिखाया जाता है जर्मन के कल्चर के बारे में और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में क्या सोचना है। बचपन से लेकर 10 साल की उम्र तक जोजो को काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ और लोगों के बारे में बताएगी। ये वर्ल्ड वार टू के टाइम में असल में भी ऐसा होता था, क्योंकि उन्होंने सोल्जर्स तैयार करने होते थे, तो बचपन से ही उन्हें दुश्मन के खिलाफ लड़ाई करने के तरीके और उन्हें हेट करने की वजह सिखा दी जाती थी। और इस तरह बाकी बच्चों के साथ जोजो का भी साथ होता है, पर जोजो 10 साल की उम्र में बहुत बड़े जैसे एक्ट करना शुरू हो जाता है और अपने दुश्मनों को बहुत ही बुरी नज़रों से देखता है। और यहाँ पे ही एक ट्विस्ट आता है मूवी में, क्योंकि उसकी मदर जिसका रोल प्ले कर रही है स्कारलेट जॉनसन, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया एज अ स्वीट मदर, क्योंकि उसकी बहुत स्वीट मदर होती है जिसकी हुक्मरानी थोड़ी बहुत चलती होती है, तो वो रोल उन्होंने बहुत परफेक्टली प्ले किया और मैं सरप्राइज हो गया उनकी एक्टिंग की वजह से। वेल वापस आते हैं प्लॉट की तरफ। तो उसकी मदर ने अपने घर में एक जू लड़की को कैद किया होता है, मतलब छुपाया होता है, और जोजो को जब ये पता चलता है तो वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसके दुश्मन ही जू लोग होते हैं जिसके बारे में काफ़ी गलत मलत बातें उन्होंने फैलाई होती हैं कि जू लोगों के पास सिंह होते हैं, वो चमका दर्द की तरह सोते हैं। तो अब वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगा, क्या वो इस लायक है कि अपने देश को बचा सकेगा, जर्मन वासी सही से बन सकेगा और मुकाबला कर सकेगा उस जू लड़की के साथ या नहीं। और इंटरेस्टिंग प्लॉट जो चलता है ना आपको और भी चीज़ें डिलीवर कराता है। तो ये एक परफेक्ट ड्रामा मूवी हो सकती है जिसके साथ कॉमेडी बहुत अच्छे से अटैच की गई है। मूवी थोड़ी आपको वियर्ड लगेंगी या फिर लॉजिक डालने की आप कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगी, इसलिए अपना लॉजिक साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी कॉमेडी पर्पज से ज़्यादा बनाई गई है। और इमोशनल पार्ट भी है मूवी में, जो कि 1 घंटे 15 मिनट के बाद स्टार्ट होता है और मूवी के एंड तक चलता है, जो कि बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें इमोशनल सीन आता है तो आप बोर होने लग जाते हैं, ड्रामा से बोर होने लग जाते हैं, और कभी कभी कॉमेडी पे भी आपको हंसा नहीं आता। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह मैनेज की गई है, कॉमेडी सीन अच्छे से पुट की गई है ड्रामा के साथ, और इमोशनल सीन को भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया ताकि हम बोर ना हो, पर हमारे पास फीलिंग होती है क्योंकि करेक्टर डेवलपमेंट इतने अच्छे से किया गया होता है कि कोई मरता है या जीता है तो हमें फ़र्क पड़ता है, करेक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, उनकी फीलिंग को समझ सकते हो। तो ये काम बहुत अच्छे से किया गया। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर टाइका वाइटिटी है। अगर ये नाम आप नहीं जानते तो थोर लव एंड थंडर मूवी और थोर रैग्नारोक मूवी दोनों टाइका वाइटिटी ने ही डायरेक्ट की हैं। आपको एक बात बताता हूँ, वर्ल्ड वार टू के टाइम में जर्मन मतलब नासी लोग हिटलर को गॉड लेवल का दर्जा देते थे और उसे ही अपना सब कुछ मानते थे और उसके लिए जंग लड़ना और कुछ भी करने को तैयार होते थे। तो जो उसी कल्चर में पैदा हुआ था वो हिटलर के लिए कुछ भी कर सकता था, उसी के साथ साथ वो हिटलर के सामने अपने आप को साबित भी करना चाहता था। पर वो अलग बात है कि आपको पता है जंग कौन जीता, हिटलर का क्या हुआ, वो अलग बात है। पर जोजो के छोटे होते जो ख्याली पुलाव वाला फ्रेंड जो उसका होता है वो हिटलर ही था, जिनका रोल प्ले किया टाइका वाइटिटी ने। उन्होंने एक इमेजिनरी फ्रेंड वाला रोल बहुत अच्छे से प्ले किया, क्योंकि रियल लाइफ वाला हिटलर तो डिफरेंट था, पर एक ख्याली पुलाव वाला फ्रेंड वो काफ़ी अच्छे से प्ले किया, जो कि हर वक्त झाड़ता रहता है हाइल हिटलर करो मुझे, हाइल हिटलर करो। तो वो वाला रोल उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया। ओवरऑल कास्टिंग एक्टिंग मुझे किसी तरह से भी डाउनफॉल में नहीं नज़र आई, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, काफ़ी नॉन एक्टिंग हमें नज़र आई है मूवी में, पर सबको इतना इतना रोल नहीं मिला, पर जितना मिला उन्होंने जितनी थोड़ा सा रोल प्ले किया वो बहुत अच्छे से किया और मज़ा आ जाता सच में। कमाल की बात ये है कि बाहर के मुल्कों में ये मूवी जब रिलीज़ हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऐसे IMDB और रोटेन टमाटो में भी रेटिंग इस मूवी के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल की मिली है। ये मूवी हिंदी में भी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, जिसकी हिंदी डबिंग बहुत अच्छी तो नहीं बस अच्छी है, क्योंकि कुछ मैंने देखे थे मीनिंग्स हिंदी में डिफरेंट थे और इंग्लिश में डिफरेंट थे, जबकि इंग्लिश में देखने में ज़्यादा मज़ा आता उन्हें, बस हिंदी डबिंग अच्छी ही है। इसका रन टाइम भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे 45 मिनट का है।
तो अब सिया से आ जाते हैं इस मूवी की रिकमेंडेशन और ऑडियंस की तरफ। तो ऑडियंस वेबसाइट की तरफ से तो 12 मिनिमम बताई गई है, पर मैं 13 कहता हूँ क्योंकि इसमें जो इमोशनल सीन दिखाए गए हैं और कॉमेडी की समझने की जो उम्र है वो 13 ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी अडल्ट कॉमेडी भी थोड़ी यूज़ की गई है इस मूवी में, जिसे देखने में बहुत ही मज़ा आएगा सच में। और रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको रियली में ड्रामा मूवीज़ पसंद है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। एक मस्ट वॉच मूवी तो नहीं, पर अपनी लाइफ में एक दफ़ा देख लीजिएगा, काफ़ी मज़े की मूवी है, क्योंकि कॉमेडी और ड्रामा मिलकर काफ़ी अच्छे समय प्रोवाइड किया गया है। अगर आप ड्रामा के अलावा किसी कैटेगरी के फैंस हैं, जैसे आप कॉमेडी देखना चाहते हैं या फिर एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, उस टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं है इस मूवी में, तो सिर्फ ड्रामा फैंस देखें, वो भी हाईली रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आपने देखनी है, ट्रेलर इंटरेस्टिंग लगा है तो देख लीजिए, कोई बुरी मूवी नहीं है। तो इसी के साथ साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, इंफॉर्मेटिव थी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर मार्वल डीसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।